सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। मैंने पहले 5 लोगों को प्लान दिखाया और 5 ने क्या बोला जानना चाहोगे? यस से तो ऐसे लग रहा है सारे लोग नहीं जानना चाहते। 5 लोगों ने क्या बोला जानना चाहोगे? उन्होंने यस नहीं बोला, उन्होंने बोला नो। क्या बोला 5 ने? और 5 ने जैसे ही नो बोला अपनी हवा निकल गई। और आप सबको पता है बगैर हवा का टायर चलता, अपनी हवा निकल गई। फिर अप्लाई इनको फोन, सर 5 को प्लान दिखाया, 5 ने मना कर दिया, मुझे लगता मैं डायमंड नहीं बन पाऊंगा, मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊंगा। तो अप्लाई ने फिर पूछा कि ग्रेवाल जी कितने की लिस्ट बनाई है? मैं बोला सर लिस्ट तो बनाई नहीं। बोला आप बोला तो था कि सब 300 लोगों के नाम आपके दिमाग में है, अभी 5 ने ही मना किया है। मैं बोला सर जो दिमाग में जो नाम थे 300 वो हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है, अभी वो कुछ नहीं है। मैं सोच रहा हूं जो खास आदमी थे उन्होंने ही मना कर दिया, तो बाकी वाले तो तैयार है मना करने के लिए। तो उन्होंने अप्लाई ने बोला कि ग्रेवाल जी ठीक है, उनको पता लगे अनाड़ी आदमी है, इसको ज्यादा सीधी भाषा में समझ में नहीं आ रहा, सीधी भाषा में समझाना पड़ेगा। और उन्होंने बोला कि आप ये बताओ इस इंडिया में पॉपुलेशन कितनी की है? तो 2003 जनवरी की बात है, मैंने बोला सर 120 करोड़। बोला 120 करोड़ में से 5 घटा दे, बता कितने बच गए? मैं बोला 120 करोड़ अभी भी 120 करोड़। बोला कैसे? मैं बोला इतनी देर में तो 5 नए पैदा हो गए होंगे। यस और नो? यस और नो? तो बोला यार जब प्रोडक्शन इतना फास्ट है तो तू चिंता क्यों कर रहा है? कच्चे माल की सप्लाई बहुत तेज है, अभी चाइना के बाद नंबर 1 हम ही बनने वाले हैं। यस और नो? तो बोला फिर चिंता क्यों कर रहा है तू? सच बता डायमंड बनना चाहता है? मैं कहा बिल्कुल बनना चाहता हूं सर। बोला फिर मैं आपको एक मंत्र बताता हूं, फार्मूला देता हूं। मैं बोला जल्दी बताओ, और अपन तो मंत्र तंत्र में विश्वास करते ही हैं, जाके पीपल के पेड़ को कि धागा बांधते रहते हैं, बांधते कि नहीं बांधते? सही है, कोई कहीं धागा बांधता, कोई कहीं धागा बांधता, मने तो मनवाने के लिए। तो मैं बोला शायद इनका मंत्र कुछ काम कर जाएगा। बोला अगर उस मंत्र को आपने फॉलो कर लिया तो आप पक्का डायमंड बनोगे। तो मैंने बोला सर जल्दी बताओ मंत्र। तो क्या मंत्र बताया हमारे ग्रेट अप्लाई ने? जाना चाहते? जाना चाहते? उन्होंने एक ही मंत्र बताया कि ग्रेवाल जी आपका काम है लोगों को प्लान दिखाना, प्रेजेंटेशन दिखाना, और लोगों का काम है हाँ या ना बोलना। आप जबरदस्ती करके किसी की जिंदगी नहीं बदल सकते, किसी को अमीर नहीं बना सकते। और अगर ऐसा हो सकता तो भगवान ही सबको अमीर बना देता, जबरदस्ती भगवान नहीं कर सकता, तू किस खेत की बोली है? और उन्होंने एक बात और बोली कि सारे लोगों ने ना भगवान राम की सुनी, ना भगवान कृष्ण की सुनी, ना गुरु नानक जी की सुनी, ना प्रोफेट मोहम्मद की सुनी, ना ईसा मसीह की सुनी। जब सारे लोगों ने बड़े बड़े महापुरुषों की नहीं सुनी तो तू किस खेत की बोली है? तेरे को तो बोला मंत्र बताता हूं। मैं बोला मंत्र बताओ सर मंत्र। तो मंत्र क्या बताया? कि आपका काम है लोगों को प्लान दिखाना, अच्छे से फॉलोअप करना, अप्लायंस से मिलवाना, सिस्टम की टूल्स प्रमोट करना, ये आपका काम है। लेकिन हां करना या ना करना किसका काम है? सामने वाले का। यस और नो? तो मैं बोला सर मंत्र बताओ ना, अभी आप इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बोला मंत्र ही तो बता रहा हूं, मंत्र ये है कि आप प्लान दिखाते रहो, फॉलोअप करते रहो, अप्लायंस से मिलवाते रहो, ट्रेनिंग मीटिंग में आते रहो, और उसके बाद अगर बंदा आता है तो आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, बताते जाओ पक्का डायमंड बन जाओगे। थैंक यू। और मैंने सोचा यार आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट करने से अगर डायमंड बन सकता है तो आप बताओ मेरी जगह आप होते तो क्या बनना चाहते कि नहीं चाहते? मैं बोला सर ये काम तो मैं कर दूंगा, आए तो बेस्ट नहीं तो। और मैं करने लगा अनाड़ी आदमी, और करने लगा आए तो बेस्ट नहीं तो, आए तो बेस्ट नहीं तो, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट करता रहा। और करते करते आप सच बताओ कोई आदमी अगर एकदम धुन लगा ले, जिद लगा ले
कि आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। अच्छे से प्लान बताए, फॉलोअप करे, अपलाइन से मिलाए, सिस्टम को फॉलो करे, मीटिंग अटेंड करे, हमेशा ट्रेनिंग में आए, और आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट करता रहे। तो आप बताओ, कुछ ना कुछ लोग, दो लोग चार लोग उसके साथ कोई ना कोई प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो मैंने भी ऐसे ही करना शुरू कर दिया कि आए तो बेस्ट नहीं तो, आधा आप बोलेंगे आधा मैं बोलूंगा, आए तो बेस्ट नहीं तो, आए तो बेस्ट नहीं तो, आए तो बेस्ट नहीं तो। तो अगर ऐसे करेगा आदमी तो आप सच बताओ दिल पे हाथ रख के कि कोई ना कोई हाँ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? कितने लोगों लग रहा हाथ बोलेगा, कोई ना कोई बोलेगा। और दोस्तों ऐसा ही हुआ कि मैं भी करने लगा, आए तो बेस्ट नहीं तो, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट करने लगा, और मुझे दो लोगों ने हाँ बोल दिया। कितने लोगों ने हाँ बोल दिया? दो लोगों ने हाँ बोला। और जैसे ही दो लोगों ने हाँ बोला, प्रोडक्ट के लिए उन्होंने पैसा दिया, या पहले हम डीडी बोलते थे, डीडी दिया, तो दो डीडी का पैसा लेके, और मैं बैंक में यहीं पे सदर बाजार में एसबीआई बैंक है, फर्स्ट फ्लोर पे था पहले, पता नहीं अभी कहाँ है, वहीं पे होगा शायद, वहीं पे है। तो फर्स्ट फ्लोर पे मैं एसबीआई बैंक में पहुंच गया, और ड्रेस में ही पहुंच गया, फौजी वाली ड्रेस पहन के, और मैंने फॉर्म भर के और पैसा दे दिया डीडी बनाने के लिए। उसने पैसा गिनती किया और ठप्पा मार के मुझे रसीद पकड़ा दी, और मैं झुका था ये पूछने के लिए कि डीडी मिलेगा कब, क्योंकि रसीद तो दे दी। तो जैसे ही मैं झुका तो भाई साहब ने मेरे को खिड़की में से देख लिया, और मैं पूछने लगा भाई साहब डीडी कब मिलेगा वो कैशियर साहब को, तो उसने एक डायलॉग बोला। क्या डायलॉग बोला जानना चाहोगे? उन्होंने एक डायलॉग बोला कि भाई साहब, मैं बोला हाँ, बोला आप खुद तो फंस गए, दूसरों को क्यों फंसा रहे हो? और मैंने बोला क्या बोला भाई साहब? बोला मैंने वही बोला जो आपने सुना। और उन्होंने एक डायलॉग और बोला कि ऐसी कंपनियां सऊदी अरब में भाग जाती हैं। कहां भाग जाती है? सऊदी अरब में भाग जाती हैं। तो मेरे को एकदम माथे पे पसीना आ गया और पेट में गुड़गुड़ सी होने लगी, और क्योंकि पॉजिटिव बात काफी देर से घुसती है हमारे माइंड में, क्योंकि पॉजिटिव का निशान ऐसा होता है, यस और नो, और नेगेटिव बात का निशान ऐसा होता है सीधा दिमाग में घुसती है, यस और नो। तो और नेगेटिव बात थी और सीधा मेरे दिमाग में घुस गई, क्योंकि आप सबको मालूम है किसी भी आदमी को पॉजिटिव बात बताओ तो असर धीरे धीरे होता है, लेकिन नेगेटिव बात बताओ तुरंत होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को भी कितनी देर तक सहलाओ, ऐसे सहलाओ, उसको आनंद आए या ना आए कोई पता नहीं, लेकिन थोड़ी सी एक बार पिन घुसेड़ दो, कूद के पड़ेगा, हाँ कि ना, यस और नो। तो उसने भी पिन घुसेड़ दी, तो इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो मैंने उनकी बात सुनने के बाद मुझे पीला पीला दिखने लगा, माथे पे पसीना आ गया, और मैं सोचा यार कहीं ना कहीं ये बैंक वाला आदमी है, पढ़ा लिखा बंदा है, ये लोग कंपनी वंपनी के बारे में डील भी करते रहते हैं, क्योंकि जो भी कंपनी हो अकाउंट तो उन्हीं के पास खुलवाती है। मैं बोला हो ना हो ये बंदा सही बोल रहा होगा, मैं ठहरा फौजी आदमी, मेरे को ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन ये बैंक वाला तो सब जानता है, ऊपर से कैशियर है, हो ना हो ये बंदा सही बोल रहा होगा। और मैं मायूस होके बैंक से नीचे सीढ़ियों के माध्यम से नीचे आने लगा, तो फर्स्ट फ्लोर पे था तो नीचे आ रहा था, तो नीचे आते आते मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार क्यों ना एक बार उस आदमी से बात की जाए। किससे बात की जानी चाहिए? किससे? सारे लोग नहीं बोल रहे, किससे? अपलाइन तो बड़ा सम्मानित शब्द है। मैंने सोचा कि उससे बात की जाए जिसने मुझे फंसाया, जिसने मुझे फंसाया। और मैं नीचे आया, उस टाइम पे मेरे पास मोबाइल भी नहीं होता था, मैंने एसटीडी से फोन लगाया, और एसटीडी से फोन लगाया तो घंटी गई और उधर से आवाज आई, हेलो। मैं बोला सर नमस्कार, मैं नरसिंह ग्रेवाल बोल रहा हूँ आगरा से। बोला हाँ ग्रेवाल जी, क्या हाल है? मैंने बोला सर मैं दो डीडी बनाने के लिए बैंक में आया हुआ हूँ। बोला वेरी गुड, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन, शाबाश। मैं बोला आप तो इतनी बधाई दे रहे हो जैसे नन्ना भाई पैदा हो गया हो, इधर तो पंगा होकर रखा है, यस और नो। तो
बोला क्या बात है अग्रवाल जी? मैंने बोला सर बात ये है कि बैंक वाले भाई साहब ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। बोला डोंट वरी अग्रवाल जी, ऐसे तो लोगों ने बोला था राइट बंधुओं को, लोहे का हवाई जहाज नहीं उड़ेगा। आज लोहे का हवाई जहाज उड़ता है कि नहीं? और बोला ऐसे ही बोला था लोगों ने थॉमस एडिसन को कि बिजली का बल्ब नहीं बनेगा, लाइट नहीं चलेगी। आज बिजली का बल्ब भी है और लाइट भी चलती है कि नहीं? और बोला ऐसे ही बोला था लोगों ने चतुर्वेदी साहब को, जैन साहब को कि टीम नहीं बनेगी, आज उनकी बहुत बड़ी टीम है। बोला ऐसे ही मुझे बोला था कि टीम नहीं बनेगी, आज मेरी भी टीम है, मैं भी डायमंड बनने वाला हूं। और अग्रवाल जी लिखवा के ले लो, अगर लोग ऐसे ही बोलते रहे और फिर भी अगर आप डटे रहे तो पक्का एक दिन डायमंड बन जाओगे। क्या बन जाओगे? थैंक यू। लेकिन उनका इस डायलॉग का मेरे ऊपर बिल्कुल असर नहीं पड़ा, ये डायलॉग मेरे ऊपर से गया। उसके कारण, उसके पीछे कारण एक ही था, और कारण यह था कि एक तो मैं करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो मैं फौजी ऊपर से जाट। उसकी बात समझ में आएगी? मैंने बोला सर थॉमस एडिसन मेरा चाचा नहीं लगता, राइट बंधु मेरे फूफा नहीं लगते, मेरे क्या पता थे भी कि नहीं थे। रही बात चतुर्वेदी साहब जैन साहब की, हमने तो कभी देखे नहीं हो, है भी कि नहीं है, खाम का आप ऐसे माला रटे जा रहे हो। और अगर सीधी सीधी भाषा में कुछ समझा सकते हो तो बता दो, अदरवाइज आपकी हमारी नमस्ते, कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। तो उन्होंने बोला अग्रवाल जी लग रहा आप काफी दुखी हैं। मैं बोला और सुखी हो जाऊं? तो बोला काफी दुखी हैं, सिर्फ आप मेरे दो सवालों के जवाब दे दो, उसके बाद जैसा आप करना चाहते हैं कर लेना। तो मैंने बोला सर पूछो दो क्या तीन पूछ लो, अभी तो फंसे हुए हैं, अपना एक डीडी गया, दो और लगवा दिए, तीन का तो जुगाड़ खत्म हो गया, अभी सवाल और रह गए। मैं बोला चलो पूछो। तो उन्होंने क्या सवाल पूछे जानना चाहोगे? उन्होंने सवाल पूछे कि सर आप ये बताओ जो बैंक वाले भाई साहब आपको सलाह दे रहे हैं वो एक महीने में एक नंबर का व्हाइट मनी कितना कमाते हैं? मैंने बोला सर 10-11 हजार रुपये महीना, उस टाइम पे 10-11 हजार रुपये तनख्वाह होती थी बैंक वाले साहब की, कैशियर वगैरह की। और बोला जो जो हमारे आदर्श हैं, जिनको देख के हम इस बिजनेस में काम कर रहे हैं सेफ सोप के में, वो लोग एक महीने में एक नंबर का व्हाइट मनी कितना कमाते होंगे? मैंने बोला सर वो 10-11 लाख रुपए महीना। तो बोले कि एक आदमी एक महीने में एक नंबर का व्हाइट मनी 10-11 हजार रुपए महीने कमाता है, और एक आदमी एक महीने में एक नंबर का व्हाइट मनी 10-11 लाख रुपए महीने कमाता है, कौन ज्यादा समझदार है, हजार वाला या लाख वाला? सारे लोग नहीं बोल रहे, हजार वाला या लाख वाला? हजार वाला या लाख वाला? और मैं भी लालच में आ गया आप लोगों की तरह, और मैंने बोल दिया सर लाख वाला ज्यादा समझदार है। कौन ज्यादा समझदार है? कौन? लाख वाला ज्यादा समझदार है। तो उसी टाइम पे उनको मौका मिल गया पंच मारने का, और उन्होंने बोला अग्रवाल जी जिंदगी आपकी है, फैसला भी आपका रहेगा, लेकिन आप एक बात लिखवा लो, अगर आप आज हजार वाले की बात मानोगे तो हजार वाले रह जाओगे, और लाख वाले की मानोगे तो लाख वाले बन जाओगे। जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है, जो भी आपका। थैंक यू। और ऐसी अवस्था में मुझे किसकी बात माननी चाहिए थी, हजार वाले की या लाख वाले की? हजार वाले की या लाख वाले की? तो दोस्तों उस टाइम पे मैं फिर दुविधा में हो गया कि यार मानना किसका है, लाख वाले की बात माने हजार वाले की। लेकिन माधव जी एक बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाते हैं, वो स्टोरी कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैंने भी सुन रखी थी और वो मुझे याद आई। वो स्टोरी क्या थी जानना चाहेंगे? वो स्टोरी यूं थी कि एक बहुत बड़ी नदी है, उसके नदी के किनारे पे जो आधा पानी की तरफ झुका हुआ है, नदी के किनारे पे बहुत बड़ा एक वटवृक्ष है, और वटवृक्ष के ऊपर 50-60 बंदर बंदरियां खेल रहे हैं, और उस वटवृक्ष के नीचे एक राजकुमार विश्राम कर रहा है। और उसी टाइम पे आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी में बोला जाता है कि अभी ऐसा नक्षत्र है जो बंदरिया बंदरिया अभी एक मिनट के अंदर नदी में छलांग लगाएगा और राजकुमार या राजकुमारी बन के बाहर निकलेगा।
और सारे बंदर बंदरिया एक दूसरे की तरफ देख रहे, छलांग लगाएं कि नहीं लगाएं। लेकिन एक बंदरिया ने क्या किया, छलांग लगा दिया। और छलांग जैसे उसने लगाया तो राजकुमारी बन के बाहर निकल गई। तो बाहर जैसे ही निकल के आई तो जो राजकुमार पहले से विश्राम कर रहा था उसने बोला कि इतने सारे बंदर बंदरिया थे, किसी ने छलांग नहीं लगाई, आकाशवाणी सबने सुनी थी, ऐसा आपने क्या सोचा कि आपने छलांग लगा दी और राजकुमारी बन के आ गई। तो जो पहले बंदरिया थी अभी राजकुमारी बन चुकी थी, उसने क्या जवाब दिया जानना चाहेंगे? सारे जानना चाहते हैं? उसने जवाब दिया कि आकाशवाणी में यह बोला गया था जो बंदर बंदरिया छलांग लगाएगा राजकुमार या राजकुमारी बनेगा, यह नहीं बोला था बिल्ली बनेगा, चूहा बनेगा, कुत्ता बनेगा, गधा बनेगा, यह नहीं बोला था। और बोला मैंने सोचा कि क्यों ना छलांग लगा दूं, अगर मैं राजकुमारी बन गई तो वेल एंड गुड, और नहीं तो बंदरिया तो हुई, तैर के बाहर निकलाऊंगी, क्या दिक्कत है। थैंक यू।